आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि कितनी बढ़िया हमारी ब्रेड रोल की रेसिपी बनी होगी। इस रेसिपी के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें थोड़ी सी तेल डाला लगभग एक मीडियम साइज़ के चम्मच से, और खड़ा जीरा आधी चम्मच, और 6 से 7 हमने हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के डाला है। उसके बाद हम प्याज को डालेंगे। प्याज हमने एक मीडियम साइज़ का लिया है जो कि लगभग इस प्रकार के शेप में बारीक बारीक काटा है। तो इन सबको भून के हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। उबले हुए आलू हमने लगभग एक मीडियम साइज़ के 4 से 5 आलू हैं, ये वेट में लगभग 250 ग्राम के आसपास है। तो आप इस प्रकार से आलू को उबाल के इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो इसमें अब हम यहाँ पे नमक, धनिया, हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ी सी गरम मसाला, इन सबको डाल के हम अच्छे से आलू के भरते को भून लेंगे, ताकि ये जो हमारा फिलिंग बनेगा ब्रेड में हम अच्छे से भर सके। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया बना है। थोड़ी सी हमने हरी धनिया यहाँ पे डाल के इसे बंद कर दिया है। ये बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार हुआ। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे हम चलेंगे। तो उसके लिए हमने ब्रेड लिया है। ब्रेड के सारे चारों किनारों को हम अच्छे से काट के इसे इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से आप भी इस ब्रेड के चारों कोनों को अच्छे से काट के आप अलग कर दें, और बारी बारी से हमने इसी प्रक्रिया को करके सारे ब्रेड के किनारे को हमने इस प्रकार से काट के निकाल दिया है। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी में फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमने एक बॉल में पानी लिया है, उसे एक बार डुबा के हम इसे अच्छे से इस प्रकार से हाथों दोनों हथेलियों के सहारे प्रेस करके इसे निकालेंगे। पानी इसका बिल्कुल इस प्रकार के तरीके से। तो यहाँ पे ब्रेड थोड़ी बहुत टूट भी सकती है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसे करें। तो इस प्रकार से करके हमने आलू के शेप, जिस प्रकार के शेप में रखना हो आपको, हमने सिलेंड्रिकल शेप में रखा है इसे, गोलाकार में। तो उस प्रकार के आलू के स्टफिंग को आप हाथों से शेप दे दें। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, गोल भी हमने बना के दिखाया आपको, वो आगे नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आलू डालने के बाद इस प्रकार से हाथों से इसे प्रेस करते हुए, देखिए पानी भी निकल रहा है ना, तो इसी प्रकार के शेप में हमें बनाना है। तो ये देखिए हमारा फाइनली इस प्रकार के शेप आप करेंगे तो ये अच्छे से बन जाएगा। शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये अच्छे से बन जाएगा, कोई ज़्यादा ऐसे मेहनत की बात है नहीं। तो इसी प्रकार से हमने सारे रोल को इस प्रकार से तैयार किया है। अब हम गोल वाले शेप को देखेंगे कि किस प्रकार से ये बनेगा। तो उसके लिए हमने आलू के जो भरते हैं उसको इस प्रकार के शेप में, गोल शेप में करके इस पर डालेंगे, और उसके बाद ये देखिए, और हाथों के सहारे इसे गोल शेप देते हुए कुछ इस प्रकार से इसे शेप देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार हुई है ना। तो इसी प्रकार से हमने 2 पीस गोल शेप में बनाया है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे हम चलते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनली इस प्रकार के शेप में हमने बना लिया है सारे रोल्स को। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। उसके लिए हम कढ़ाई लेंगे। अब कढ़ाई में हमने तेल लगभग 300 ग्राम के आसपास डाला है। तो अब इसमें हम तेल को मीडियम फ्लेम पे हीट करके इसे डालेंगे बारी बारी से। तो कम कम मात्रा में हमने डाला है ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। और फ्लेम को हम ज़्यादा तेज़ यहाँ नहीं करेंगे, और ज़्यादा देर तक भी नहीं इसे फ्राई करेंगे। मुश्किल से 2 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आप पलटते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर आया है इसमें। तो इसे बारी बारी से हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है हमारा जो ब्रेड रोल का। तो इसी प्रकार से हमने दूसरे बैचेज को भी इस प्रकार के, ये देखिए गोल वाला हमने तला है। तो ये देखिए इसका भी कलर कितना बढ़िया आया है, और ये ऊपर से बहुत ही क्रंचीनेस बन जाता है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से हमने सारे ब्रेड रोल को निकाल लेंगे। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म ब्रेड रोल बन के तैयार है फ्रेंड्स।
आप इसे धनिया की चटनी या टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टमाटो केचप लिया है, हमारे पास अभी धनिया की चटनी नहीं है, तो आप धनिया की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो आइए अब हमको दिखाते हैं इसे काट के कि इसके अंदर में जो फीलिंग हमने भरा है वो किस प्रकार का है। तो देखिए ये हमारा एक ब्रेड रोल को हमने इस प्रकार से काटा है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसमें फीलिंग भरा गया है और कितना बढ़िया इसका किनारे का चारों तरफ का जो ब्रेड है वो उसका शेप भी कितना बढ़िया लग रहा है देख के। तो है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल चटपटी रेसिपी। तो आप भी अपने घर पे बनाएं और इस रेसिपी का आनंद लें। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।